और आज एक अहम खबर निकलकर सामने आई पंचकुला से। पंचकुला नगर निगम में तब हड़कंप मच गया जब अचानक से हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला से बीजेपी के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ तस्वीरों के माध्यम से भी बताएंगे और जानकारी भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ जानकारी सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचकुला नगर निगम कार्यालय में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया, अचानक से यहां पहुंचे। ज्ञानचंद गुप्ता ने करीब 2 घंटे तक कई फाइलें खंगाली हैं, कई फाइलों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की और जब कुछ जानकारी निकलकर सामने आई तो ज्ञानचंद गुप्ता खुद हैरान थे। ज्ञानचंद गुप्ता ने करीब 2 घंटे तक फाइलों को जांचा परखा, निरीक्षण के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जो कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय में रेवेन्यू को लेकर जांच की गई, 6 मोबाइल कंपनियों के निगम क्षेत्र में टावर लगे हैं, पिछले 6 साल से कंपनियों ने पैसे ही जमा नहीं करवाए हैं। अब देखिए 6 साल से कंपनी पैसे जमा नहीं करवा रही है और क्या कोई कार्रवाई हुई है, इस सवाल का जवाब नहीं है। जवाब क्या होगा जब कुछ फाइलें गायब हैं? जी हाँ, कई कंपनी की बहुत सी फाइलें ही नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, ये तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है। 1 सप्ताह का समय रिकवरी के लिए भी दिया गया है कि रिकवरी कीजिए, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया है। रिपोर्ट बनाकर यूएलबी विभाग और मंत्री को भेजकर उचित कार्रवाई होगी, ये भी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है। इस खबर को बहुत गहराई से हम आपको समझाएंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो रिएक्शन दिया गया है, जो कहा गया है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से, वो आप जरूर सुनिए। एक विषय ये आया कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जहां जहां पर भी लाइनें डाल रहे हैं, लाइनें डालने के पश्चात वहां पर खड्डे सड़कों के ऊपर और या साइडों के ऊपर जहां जहां पर भी खड्डे डालते हैं उनके अंदर पूरी तरह से फिलिंग नहीं कर रही। तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और जो इनके चाहे वो टावर कनेक्शन है चाहे वो लाइंस के कनेक्शन है उनको डिस्कनेक्ट किया जाए और उनको डिस्कनेक्ट करने के बाद सील किया जाए ताकि कोई दोबारा अपने आप कनेक्शन जोड़ना पड़े। तारा ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत कर जानकारी हासिल करते हैं ये पूरा मामला कितना गंभीर है। तारा, बहुत बहुत गंभीर मसला लग रहा है, करोड़ों रुपए का यहां पर ऐसा मामला है जिसके बारे में जानकारी तक फाइलों में नहीं है, ये फाइलें गायब कैसे हो गई, सबसे बड़ा सवाल है तारा। जी बिल्कुल जी, जब पंचकुला नगर निगम के नए मेयर भाजपा के जो नियुक्त हुए थे उसके बाद से काफी लंबे तो ये जो मोबाइल टावरों की पेमेंट थी वो पेंडिंग चली आ रही थी, करोड़ों रुपए की जो है बकाया निगम की तरफ कंपनियों का था। तो मेयर के आने के बाद जो है उनके द्वारा कई कंपनियों को नोटिस दिए गए, कई कंपनियों द्वारा पैसे भी पे कर दिए गए, लेकिन कई ऐसी कंपनियां थी जिनके द्वारा आज तक कई सालों का जो टावरों का जो किराया था, जो बकाया राशि है वो नहीं मोड़ी गई थी। उसके बाद आज पंचकुला के नगर निगम कार्यालय में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा करीब 2 घंटे तक नगर निगम की फाइलों को खंगाला गया और इस मौके पर जो है पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि पंचकुला में करीब 318 टावर लगे हुए हैं जिनमें से कई कंपनियों पे जो है फाइलें भी नगर निगम में नहीं है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही या मिलीभगत कहा जा सकता है जिसके कारण ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसको लेकर पहले भी निगम कार्रवाई की बात करता रहा है लेकिन अब जो है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा फाइलें खंगाली गई हैं और कई तरह की जो कंपनियां हैं उनके करोड़ों रुपए अभी बकाया है। तो उनको लेकर उन्होंने शक्ति दिखाते हुए कहा है कि जल्द ही अगर ये कंपनी द्वारा पेमेंट नहीं दी जाती है तो उनके कनेक्शन जो है काट दिए जाए, इसका भुगतान कहीं ना कहीं पंचकुला की जनता को भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर कंपनियों के पैसे बकाया निगम को नहीं आते हैं और निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है। भी है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है जिसकी जवाबदेही है वो क्या कह रहे हैं, कोई उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है कि जब विधानसभा के स्पीकर पहुंचते हैं यहाँ पर फाइलें गायब मिलती है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता खुद फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, बहुत गंभीर मसला सामने आया, काबिल तारीफ है कि आपने औचक निरीक्षण इस तरह का किया और जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। सर क्या क्या आपने यहाँ पर देखा, क्या क्या पाया, आपने 2 घंटे तक फाइलों को खंगाला है? ऐसा है कि कमल जी देखिए कुछ दिनों से मेरे पास ऐसी जानकारी आ रही थी जी कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
जी कुछ अधिकारियों के साथ घालमेल करके जो सरकार का राजस्व है जी उसको चूना लगा रहे हैं। और तो उस दृष्टि से मैंने आज जो नगर निगम पंचकुला के वहां जाकर के निरीक्षण भी किया और कोशिश की के तथ्यों को जान सकूं, तो उस जाकर के बड़ी हैरानी हुई कि वहां पर मतलब बहुत सारी तो फाइलें ही वहां पर देखने को नहीं मिली। जैसे 318 हमारे वहां टावर लगे हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, रिलायंस के, जियो के और ये जो बड़ी कंपनियां हैं, और उनमें से 87 फाइल्स जो हैं वो ट्रेसेबल नहीं है। और उस को लेकर के मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से जो लाइनें बिछाई गई हैं उनका मैप ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और मैं जो वो जो वहां पर उनकी कोई पैसे जमा नहीं हुए, बिना पैसा जमा कराए हुए उन्होंने वहां पर जो है अपनी टावर इंस्टॉल कर दिए, लाइनें बिछा दी हैं, और कुछ जब लाइनें की खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद शायद वहां पर उनको पूरी तरह से फिलअप नहीं किया जाता जी। तो इस प्रकार की कुछ जो शिकायतें आई थी मैंने वहां जाकर के देखा है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिन कंपनियों ने सरकार का पैसा जमा नहीं कराया उनकी पूरी छानबीन करने के पश्चात उनको नोटिस दे जाए, और विद इन 7 डेज जो कंपनियां जिनको पहले नोटिस दे चुके हैं उनको सील किया जाए। सर एक अंतिम सवाल है, अगर किसी अधिकारी की किसी भी तरह की लापरवाही की संलिप्तता पाई जाती है उस पर भी कार्रवाई की बात होगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मैंने ये कहा है कि इसकी एक रिपोर्ट बना करके जी मैं जो हमारे लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी जी उनको भी दूंगा और अधिकारियों को भी दूंगा जी, ताकि उनके ध्यान में आ सके कि किस प्रकार से कुछ अधिकारी अनियमितताएं करते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन और अंत में सर, आप जो इस तरह की औचक निरीक्षण कर रहे हैं आप बाकी मंत्रियों को भी सलाह देंगे, बल्कि हम तो कहते हैं कि विधायकों की भी आप सलाह मशवरा दीजिए अगर कहीं से ऐसी शिकायत आती है इस तरह के औचक निरीक्षण किया जाए, ताकि कोई भी यहाँ पर शिकायत आती है तो उस पर कम से कम खंगाल कर कुछ तो निकलकर सामने आए, जैसे कि यहाँ पर बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए कमल जी, ये तो मैं समझता हूँ कि विधायिका की जिम्मेवारी है जी, ये सभी विधायकों की जिम्मेवारी है कि कहीं पर भी कोई भी पैसे का मिसयूज ना हो, कहीं पर अपव्यय ना हो, अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो जो पैसे को फजूल खर्ची की गई है या कहीं गोलमाल हुआ है तो उसकी जानकारी सब विधायकों को रहनी चाहिए और उसकी लिखित रूप में विधायकों को इसकी जानकारी जो है संबंधित जो अपने मंत्री हैं या अधिकारी हैं उनको भेजनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बहुत अच्छा आपने काम किया है और बहुत सी जानकारी निकलकर सामने आई। अल्टीमेटम 1 हफ्ते का दिया गया है, उसके बाद कार्रवाई होगी और एक रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा गया है, संबंधित मंत्री भी कार्रवाई करेंगे, और अब देखने वाली बात है कि 1 हफ्ते बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है।